हेलो फ्रेंड, मैं डिंपल अपने यूट्यूब चैनल डिंपल डी डिजाइन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको स्लीव्स की कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को 2 फोल्ड किया, उसके बाद हमने 4 फोल्ड किया है। तो आप इस तरह से कपड़े को अपने सही से करके रख लीजिए। और स्लीव्स की कटिंग करना बहुत ईजी है, आप किसी भी साइज़ का स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो कटिंग बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ऐसी कटिंग की वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ हम 13 इंच पे रखेंगे और इसके बाद इसकी फिटिंग रखेंगे मोड़ी की। तो वो 5 इंच है और इसमें 1.5 इंच हमने मार्जिन किया। यहाँ भी हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड। तो आप हर साइज़ के स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम जो हमारा ऊपर की कुर्ती होती है उसकी हम गुलाई ले लेंगे और जो भी आए उतना आप ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच पे ऐसे सीधे ऊपर से एक मार्क कर लेंगे और उसके बाद फ्रेंड हम 2 इंच नीचे आएंगे और यहाँ से हम 8 इंच पर निशान, क्योंकि 1.5 इंच इसमें मार्जिन है, तो 8 इंच पे हम नीचे निशान कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स से इस तरह से हम ऐसे हल्की सी गुलाई देके, और ये देखिए स्लीव्स की कटिंग करना कितना, ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, मार्जिन है। तो आप हर तरह से स्लीव्स की कटिंग बहुत ईजिली आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए हमारे स्लीव्स कट के कम्प्लीट हुआ, निशान लग गया और कितने अच्छे से लग गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके आपको दिखाते हैं कितनी अच्छे से इसकी गुलाई भी आती है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और हर साइज़ की कुर्ती या सूट कमीज़ जो भी है, आप जिसकी भी कटिंग टॉप, तो इसी तरह से हम आप लेके करें तो कभी आपकी स्लीव्स छोटी या बड़ी नहीं होगी फ्रेंड। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स करके कंप्लीट हुई और बहुत ही सुंदर तरीके से। अब हम आगे वाले पार्ट में तो हल्की सी गुलाई दे देंगे। तो इस तरह से आप हल्की सी गुलाई दे सकते हैं। तो आप ऐसा गुलाई नहीं, अगर गुलाई नहीं देना चाहते तो आप सिलाई करते टाइम आगे के साइड आप हल्का सा ज़्यादा लेके गुलाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुलाई दे दी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और फॉलो करना।